बिरसा मुंडा की पावन धरती झारखंड में पहुंच चुके हैं और राजधानी रांची के होटल रेडिशन ब्लू में रात्रि विश्राम करने के बाद वो सुबह चायबासा के लिए रवाना होंगे। ये काली कलर की गाड़ी आप जरूर देख रहे होंगे, उसके अंदर अमित शाह बैठे हुए हैं और तमाम आप देख सकते हैं काफिला भी इस वक्त होटल रेडिसन ब्लू के समक्ष पहुंच चुका है। हालांकि अमित शाह रेडिसन ब्लू होटल के अंदर जा रहे हैं, कि सीधी तस्वीर, काफिला इस वक्त रेडिसन ब्लू पहुंच चुका है और मेरे सहयोगी विकास आपको लगातार अंदर की भी तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो काफिला है वो इस वक्त रेडिसन ब्लू के अंदर पहुंच चुका है और तमाम जो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता है वो इस वक्त रेडिसन ब्लू के समक्ष पहुंच चुके हैं। एक सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रेडिसन ब्लू के समक्ष की, जहां पर कार्यकर्ताओं का आपने हुजूम देखा एयरपोर्ट में, तो वहीं दूसरी ओर यहां पे उतने कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाए, लेकिन फिर भी कई जो कार्यकर्ता है वो यहां पर पहुंचे हैं, इंतजार कर रहे थे कि कब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रेडिसन ब्लू के समक्ष पहुंचेंगे। हालांकि कल जो टाइम शेड्यूल हमें मिला है उसके अनुसार 10 बजे अमित शाह चायबासा के लिए रवाना होंगे। तो लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे राजधानी रांची के होटल रेडिसन ब्लू की, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होटल रेडिसन ब्लू पहुंच चुके हैं और कहा जा रहा है कि थोड़ी देर के बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मंत्रियों के साथ एक अहम बैठक रखेंगे और सुबह लगभग 10 बजे राजधानी रांची से सीधा चायबासा के लिए रवाना होंगे और वहां पर कई सभा को संबोधित भी करेंगे। कहा जा रहा है कि राज्य सरकार को घेरने का भी प्रयास करेंगे और कहीं ना कहीं मिशन 24 का आगाज हो चुका है और तमाम चीजों को वो लोगों के समक्ष रखेंगे। कोल्हान में जाकर तमाम जो कार्यकर्ता है उनसे वार्तालाप करेंगे और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता है, मंत्री है, उनसे तमाम चीजों के बारे में पूछेंगे भी। वो भी हम आपको दिखाएंगे, हमारे सहयोगी मदन चायबासा में वो भी आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, कैमरा पर्सन विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज बाइस्कोप रांची। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काफिला रेडिसन ब्लू पहुंच चुका है, जहां वो रात्रि विश्राम करेंगे और उसके बाद तड़के चायबासा के लिए रवाना होंगे, जहां विजय संकल्प रैली को संबोधित कर चुनावी मिशन 2024 का आगाज करने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आपको बता दें कि कोल्हान में बीजेपी पिछली बार बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। चायबासा लोकसभा सीट में भी बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके स्वर्गीय लक्ष्मण गिलवा, उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और गीता कोड़ा से बीजेपी वो सीट लूज कर गई थी और वहाँ के जो 5 विधानसभा क्षेत्र हैं चायबासा लोकसभा के अंतर्गत, वहाँ भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। इसलिए झारखंड में अमित शाह ने चायबासा का चयन किया है और अब वहीं से वो अपने चुनावी कार्यक्रम का श्रीगणेश कर रहे हैं और इसके लिए लोकसभा कोर कमेटी की बैठक भी बुलाई गई है। बीजेपी की कोशिश है कि इस बार झारखंड के 14 में से 14 लोकसभा सीटों पर कब्जा किया जाए और उसी की शुरुआत करते हुए अपने मिशन को लेकर अमित शाह यहां पहुंच गए हैं। होटल रेडिसन ब्लू में रुकेंगे और रात्रि विश्राम के बाद चायबासा में विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे, जिसके लिए तैयारियां पूरी तरह से चाक चौबंद है। बताया जा रहा है कि लाखों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता, कोल्हान इलाके के बीजेपी के कार्यकर्ता उन्हें सुनने के लिए विजय संकल्प रैली में शिरकत करेंगे। चार धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई माँ मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें माँ कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।